लखीमपुर हिंसा मामले में आज भी जारी रहेगी सियासत। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जाएंगे लखीमपुर खीरी, मृतक किसानों के परिजनों से करेंगे मुलाकात। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा लखीमपुर खीरी का करेंगे दौरा, हिंसा में मारे गए लोग के परिवार वालों से मिलकर जताएंगे शोक संवेदना। पंजाब कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू आज जाएंगे लखीमपुर खीरी, पंजाब कांग्रेस के कई नेताओं के साथ लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे, मोहाली एयरपोर्ट से 1000 गाड़ियों का काफिला निकलेगा। लखीमपुर खीरी की घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान, चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच 3 अक्टूबर को हुई हिंसा के मामले में आज करेगी सुनवाई। आज उत्तराखंड दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऋषिकेश एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन, देश के करीब 161 ऑक्सीजन प्लांट का भी करेंगे शुभारंभ। सीएम योगी आज वाराणसी के सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ करेंगे मीटिंग, संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 4 दिवसीय T20 दिव्यांग क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आज करेंगे गोरखपुर का दौरा, शारदीय नवरात्र पर शाम 5 बजे करेंगे कलश स्थापना, नवरात्र पर विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे सीएम। चुनावी अभियान का आगाज करेंगे जयंत चौधरी, हापुड़ के नूरपुर गांव में आरएलडी के अध्यक्ष का कार्यक्रम, पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के जन्मस्थली में कार्यक्रम, अलीगढ़ के खैर में दूसरे कार्यक्रम का होगा आयोजन। वाराणसी में संत चिंतामणि दिव्यांग स्पोर्ट्स एकेडमी काशी के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री अनिल राजभर हुए शामिल, कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट दीपा मलिक को सम्मानित किया गया। बाराबंकी के माती इलाके में बड़ा सड़क हादसा, डबल डेकर बस और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, दिल्ली से बहराइच की ओर जा रही थी बस, हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंची। नैनीताल के भीमताल डांट में सड़क पर गिरा पेड़, पेड़ का एक सिरा बिजली के खम्भे में गिर गया, गनीमत रही कि हादसे के वक्त सड़क पर कोई मौजूद नहीं था। कुचियाताल मार्ग कुछ वक्त के लिए बाधित रहा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने नकली सप्लीमेंट और बॉडी पाउडर बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, 50 लाख की कीमत की नकली सप्लीमेंट और बॉडी बनाने का पाउडर, कैप्सूल बनाने की मशीन और बॉडी बनाने की दवाइयां बरामद, एक आरोपी गिरफ्तार। जालौन के उरई में संदिग्ध परिस्थितियों में कमरे से मिला युवक का शव, पिस्टल से सिर पर गोली लगने से हुई मौत, मकान में किराए पर रहता था 25 साल का युवक, घटनास्थल से पिस्टल और कारतूस बरामद, फॉरेंसिक टीम और पुलिस छानबीन में जुटी। कन्नौज के सौसैया अस्पताल में छात्रा की इलाज के दौरान मौत, प्लेटलेट्स कम होने पर एक दिन पहले अस्पताल में कराया गया था भर्ती, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाकर परिजनों ने काटा हंगामा, कहा गलत इंजेक्शन लगाने से हुई छात्रा की मौत।